नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज का आशीर्वाद में हम बात करने वाले हैं वह कौन सा उपाय है जो शनि देव की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। आज के आशीर्वाद में हम जानेंगे कैसे ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए और ग्रहों में आज का दिन है शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन कैसे शनि देव को प्रसन्न किया जाए। आप सभी को पता है शनि देव की कृपा हो तो राजा बन जाता है आदमी, गरीब से अमीर बन जाता है। शनि देव की कृपा हो तो जीवन के हर सुख मिल जाते हैं। शनि देव की कृपा हो तो आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है और जीवन में जो अनेक कष्ट हैं उनसे आपको समाप्ति मिलती है। तो आपको शनि देव से डरने की आवश्यकता नहीं, शनि देव को अपना बनाने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं आज आप सभी मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातक जातिका किस प्रकार से शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको क्या लेना है? काले तिल लेने हैं, थोड़ा सा आटा लेना है, हर घर में होता है, और थोड़ी सी शक्कर लेनी है यानी चीनी लेनी है। इन तीनों का मिश्रण एक किसी कटोरी में बना लें, प्लेट में बना लें या किसी पत्ते में बना लें, कहीं पे भी बना लें, और घर के आसपास जहाँ पे भी खुला स्थान हो, जहाँ पे चींटियाँ हो, वहाँ पे डालें, चींटियों के बिलों में डालें ताकि चींटियों को भोजन मिल सके। आप इतना काम करिए, इस शनिवार से स्टार्ट करिए और आगे आने वाले शनिवार तक करते रहिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपके जीवन से अनेक कष्ट दूर होंगे, आप सभी प्रकार की मंजिलों को प्राप्त करेंगे, आप गरीबी को भूल जाएंगे। शनि देव की ऐसी कृपा होगी कि रातों रात आपके ऊपर से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। इसके साथ साथ अपने कर्म अच्छे रखिएगा, न्याय करिएगा, किसी के साथ छल कपट मत करिएगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी है, ढैया है, या आपकी लग्न कुंडली में शनि का कोई विपरीत परिणाम आपको मिल रहा है, इन सबसे भी आपको यह उपाय मुक्ति दिलाएगा। सरल उपाय है, बहुत इजी उपाय है। जीवन के हर सुखों को पाने के लिए यह उपाय करें और लगातार करते रहें तो बहुत बढ़िया रहेगा। हर शनिवार बहुत बेहतरीन रहेगा। और आटे की क्वांटिटी, तिल की क्वांटिटी और चीनी की क्वांटिटी आप अपनी जेब के अनुसार करें। आप एक मुट्ठी भी खिला सकते हैं, आप एक पूरा पैकेट भी खिला सकते हैं, और फिर आपको ढूंढना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे चींटियों के बिल हैं, आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत लाभ रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ शनिदेव की कृपा आप सब पर बरसेगी, आप सभी लोग खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। हरिओम, नमस्कार।